बिजली बिल में पीपीएससी दर को बढ़ाए जाने को लेकर के यहाँ पे दिल्ली बीजेपी लगातार ही प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे बिजली बिल यहाँ चलाया जा रहा है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ करके लगातार ये षड्यंत्र कर रहे हैं, दिल्ली वालों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये बिजली बिल इसलिए जगाया, जब केजरीवाल आए थे तो पीपीएससी चार्जेस 12% के आसपास था, आज वो 45% हो गया और पूरे देश में घूम के झूठ बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट नहीं बढ़े। जितने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़े हैं पिछले दरवाजे से, इन्होंने सिर्फ टैरिफ वहीं रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो 6 टैक्स हैं उन सबको बढ़ा के कम से कम 50% से ऊपर की बढ़ोतरी की है। बिजली बिल में पीपीएससी दर को बढ़ाए जाने को लेकर के यहाँ पे दिल्ली बीजेपी लगातार ही प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है। और आपको बता दें यहाँ पे बिजली बिल यहाँ चलाया जा रहा है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार ही उनके द्वारा बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर के विरोध किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ करके लगातार ये षड्यंत्र कर रहे हैं, दिल्ली वालों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और एक तरह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पानी को लेकर के परेशान थे, तो दूसरी तरफ अब बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर के अब जनता, जो आम जनता है, दिल्ली की जनता है, वो परेशान दिख रही है। और देख सकते हैं जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आईटीओ के पास पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साथ ही बड़ी तादाद में यहाँ बिजली बिल जलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, बिजली बिल आप लोगों ने जलाया? देखिए, बिजली बिल इसलिए जगाया, जब केजरीवाल आए थे तो पीपीएससी चार्जेस 12% के आसपास था, आज वो 45% हो गया और पूरे देश में घूम के झूठ बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट नहीं बढ़े। जितने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़े हैं पिछले दरवाजे से, इन्होंने सिर्फ टैरिफ वहीं रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो 6 टैक्स हैं उन सबको बढ़ा के कम से कम 50% से ऊपर की बढ़ोतरी की है, इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज बिजली के बिल जलाए हैं, इन्हें चेतावनी दी है कि अगर आपने टैरिफ बनाना जनता के सामने बढ़ा के दिखाओ, लेकिन पिछले दरवाजे से पीपीएसी चार्जेस की वजह से 36% बिजली का बिल जो बढ़ाया उसका हम विरोध कर रहे हैं। पीपीएसी के चार्जेस बढ़ाने की बात हो रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से पीपीएसी के चार्जेस इन्होंने बढ़ाए हैं और बिजली की जो बिल 29 दिन से 25 दिन पर आ गया है, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली के हर एक जनता के पास उनके घर की घंटी बजाते हुए उनको ये बताना चाहता है कि आप कितने बड़े अंधकार में हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ, आज ही मैंने बिजली का बिल भरा है, मेरा सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, पूरा रिकॉर्ड है, 21,000, उससे फिर 3,997 जब आपकी शिकायत दर्ज होती है। तो ये जो दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से ये समय समय पर और हर समय बिफूल करने में लगे हुए हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, पानी के लिए बूंद बूंद तरस गई, जब बारिश हो गई तो आपने डिसेंटलिंग नहीं कराई, आपके नाले साफ नहीं हुए, घरों में पानी भर गया, महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते हैं, आपकी लेडी सिंगम कहाँ चली गई? आज आप बिजली के मुद्दे को देखिए, आज सुबह ही मैंने 14,500 रुपए का बिल भरा है, क्यों भरे जनता? 45% के आपने ब्याज दर इसके ऊपर पीपीएसी के बढ़ा दिए हैं, तो किस दिशा में ये सरकार बढ़ रही है, इनको तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जनता को यहाँ पे परेशान करने का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बैनर पोस्टर अब जेल से भी लूटेंगे, ये देख सकते हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ये बैनर पोस्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं, आप हाथ में आपके बैनर पोस्टर हैं, क्या कहेंगे? देखो, अब ये नारा उन्होंने, हमारा नारा तो ये लगी गया है जेल से भी लूटेंगे, मगर जो बढ़ते हुए बिजली के जो बिल हैं ये आम जनता को एकदम धोखे में रखने वाली बात है। आम जनता को धोखे में रखने की बात है, लगातार ही पीपीएससी का दर है वो बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली की जनता परेशान दिख रही है, जेल से भी लूटने का काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करते थे, अगर आप झुग्गी में भी जाके देखेंगे तो बिजली का बिल 4 से 5 हज़ार रुपए का आ रहा है, पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीने की तो बहुत दूर की बात आप ना भी नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करेगी और भले ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दे, लेकिन अब बहुत जल्दी साफ पानी को लेकर के और अब बिजली को लेकर के दिल्ली की जनता कब तक सहेगी? अब बस और 3-4 महीने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो कार्यकर्ता हैं और जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष, वो बैरिकेड पे चढ़ गए हैं और लगातार ही दिल्ली सरकार को लेकर के वो विरोध करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे वीरेंद्र सचदेवा को आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो बैरिकेड पे चढ़े हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम
दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो सरासर गलत है, और दिल्ली सरकार लगातार ही दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो काफी रोष में हैं और लगातार ही यहाँ विरोध करते हुए देख सकते हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आप लोग बढ़ती हुई पीपीएससी के जो दर हैं उसको लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल चोर है और जेल में बैठ के भी उस आदमी को ये नहीं है कि मैं पैसे क्यों लूट रहा हूँ, अभी भी शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को। टोटल पीपीएससी को वापस लाना चाहिए, केजरीवाल जी को शर्माना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में जो लोग रह रहे हैं, गरीब गुरबा लोग रह रहे हैं, जिनके बल पे आप सत्ता में आए, ये आपको उखाड़ फेंकेंगे। हर साल आप पीपीएससी बढ़ा रहे हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो अध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष है वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, उनके हाथ में कई बिजली बिल है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ देर पहले जो बिजली बिल थे वो बढ़े हुए बिजली बिल थे उनको जलाया गया है। यहाँ पे विरोध किया गया और वो विरोध आप देख सकते हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ पे आईटीओ के पास पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी के, उनके वो लगातार ही विरोध करते हुए दिख रहे हैं। और अब दिल्ली की जनता लगातार परेशान हो रही है, पहले पीने के पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, ये सब शरारतें जेल के अंदर बैठ करके हर साल पीपीएससी को बढ़ाना, फिक्स चार्जेस के ऊपर भी लगना, ये सरासर ढाका है, गरीब गुरबा लोगों के ऊपर ढाका, दिल्ली के लोग ढाका। आप जिस मुद्दे पे सत्ता में आए थे, पहले पानी और अब बिजली, ये केजरीवाल को दिल्ली की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अगर केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देगा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे ही करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक पोस्टर यहाँ पे देखे, जो कार्यकर्ता है वो तमाम यहाँ पे पोस्टर लेके पहुंचे हैं, अब जेल से भी लूटेंगे केजरीवाल, और सभी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पोस्टर लेके, आप अपने हाथों में जो पोस्टर रखी है वो कहते हुए नजर आ रहा है कि अब जेल से भी लूटेंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता को कब तक लूटेंगे ये दिल्ली की सरकार? देखिए हम आपसे बस एक ही मांग करना है, केजरीवाल आप तो फ्री में बिजली दे रहे थे महिलाओं के लिए, आप बातें कर रहे थे, तो आज महिलाओं के लिए बिल क्यों आ रहे हैं? क्या अब उनमें कोई बदलाव आ गया है? क्या दिल्ली सरकार में कोई बदलाव आ गया है? क्या आप महिलाओं के लिए उन्हें सोचने की बीपीएससी के चार्ज है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए सरकार कहती थी हम बिजली दिल्ली में सबसे सस्ती देंगे, पूरी इंडिया में 6.25 रुपए बेसिक रेट है, आज जाके डबल के रेट में जाके अगर टोटल चार्जेस लगाए तो 10 रुपए से प्लस, पूरे भारत के अंदर सबसे महंगी बिजली यहाँ पे, 25 दिन का इन्होंने साइकिल कर दिया, कुछ नहीं कर रहा, ये झूठ बोल रहा है। जेल के पहले तो जेल के बाहर बैठ के झूठ बोल के सरकार चला रहा था, अभी ये जेल के अंदर से माफिया की तरह सरकार चला रहा है, इसको जरा सा भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जनता इसकी छाती पे चढ़कर इसको। यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। मैं मांग करूंगा इसकी फांसी की, इसने इतने बड़े बड़े घोटाले करे हैं इसने। केजरीवाल ने ये कहा कि बिजली फ्री करके अब सारा कसर, अभी जो पेंशन रुकी हुई है लोगों की, कितने लोग परेशान है, दिल्ली को बर्बाद करके 50% केजरीवाल के जेब में पीपीसी जा रहा है, ये केजरीवाल का साजिश है, साजिश के तौर पे फ्री करके जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है। केजरीवाल के इस्तीफा दे और ये लालू यादव की सरकार चलाना बंद करे, उसकी सोच की सरकार है ये। आप लोग अलग अलग विरोध कर रहे हैं, कभी पानी को लेकर के, कभी बिजली को लेकर के, क्या कहेंगे? ये पानी को लेकर इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा था, झूठ बोलते थे कि पानी नहीं आ रहा, मुनक नहर से पानी छोड़ा जा रहा है लगातार। इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उन्होंने जाके बोला, हमने जाके दिखाया कि देखो कितना पानी है, टैंकर माफिया इनके पानी बेच रहे हैं, लगातार पानी बेचने का काम करा है इन्होंने, और आज पीपीएसी जो है चार्ज लगा के बिजली कंपनियां लूट रही है, केजरीवाल की जेब में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे बताया जैसे कि ये लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं, आज भी जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं, हम इनके इस्तीफे की मांग करते हैं और इसको इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। और पानी की बात कर रहे हो, पानी है तो इन्होंने इतना खिलवाड़ करा है, टैंकर माफिया इनके, टैंकर माफिया हर जगह फैले हुए हैं, माफियाओं की जीवन जी रहे हैं ये, इनके सारे मंत्री मुख्यमंत्री सब जेल में, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। और आज भी हम इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में, वीरेंद्र सचदेवाग जी की अध्यक्षता में हम लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अब हिरासत में लिया जा रहा है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे उन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पे हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो काफी गुस्से में हैं, जो दिल्ली बीजेपी, देखिए तमाम जो चोर है भाई, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। देखिए पहले पानी में धोखाधड़ी, शिक्षा में धोखाधड़ी और अब बिजली में धोखाधड़ी। दिल्ली की सरकार केजरीवाल सरकार को कभी माफ नहीं करेगी और हमारी तो मांग यही है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा अब दे देना चाहिए।
चोर है भाई, चोर है केजरीवाल, चोर है, चोर है भाई, चोर है केजरीवाल, चोर है। दिल्ली में बिजली के दाम इतने बढ़ गए हैं, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। गरीबों का ये राजा नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने में लगा हुआ है। इस वक्त ये जेल के अंदर भी ये घोटालेबाज घोटाला करता रहेगा, ये घोटालों से रुकने वाला नहीं है। इसलिए दिल्ली की जनता इसको उखाड़ फेंकना चाहती है और 2025 में इसको जवाब देगी दिल्ली की जनता। जिस तरह से इसने बिजली और पानी के लिए दिल्ली की जनता को परेशान किया हुआ है। मैं रोहतासिम पूर्व चेयरमैन पूर्व निगम पार्षद किराड़ी विधान क्षेत्र से। आम पार्टी सरकार ने दिल्ली के अंदर हालात बड़े खराब कर दिए, जगह पानी की निकासी नहीं है, कहीं भी बहुत बुरा हाल है। हालात खराब हैं, जो कि लगातार ही जो ये दिल्ली बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको दृश्य दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता है दिल्ली बीजेपी के वो रोष में है। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार है वो धोखा करने का काम कर रही है, वो लोगों को लूट रही है और कुछ नहीं कर रही है।